क्लास सिक्स के बिहार बोर्ड का इंग्लिश का लेसन थ्री है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। तो इस चैप्टर का हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर जानेंगे, हिंदी अर्थ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसकी अगली वीडियोस आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दें। हु इज कॉल्ड स्वर सम्रागी, मतलब स्वर सम्रागी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है विच अवार्ड सी गेव अप, मतलब उसे कौन सा पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, बेस्ट फीमेल मतलब सबसे अच्छा महिला गायक का अवार्ड मिला। और तीसरा प्रश्न जो हमारा है वह है व्हाई डिड सी गेव अप द अवार्ड, गिव अप द अवार्ड, मतलब उन्होंने अवार्ड क्यों लिया? टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, मतलब अच्छे टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है थिंक एंड राइट आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा शब्दों में आंसर नहीं देना है, मात्र तीन प्रश्न है, उसके बाद ग्रामर आ जाता है। तो इस तीनों का आंसर जानते हैं चलिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, मतलब लता का पूर्व बचपन का या पुराना नाम क्या था? व्हाई वाज इट चेंज्ड, इसे चेंज क्यों किया गया, मतलब इसे बदला क्यों गया? होता क्या है बचपन में हम लोग का नाम कुछ अलग होता है और बड़े होते हैं तो अलग, किसी का मतलब सबका नहीं होता। आंसर होगा द अर्लियर नेम ऑफ लता वाज हरिदया, मतलब पुराना नाम बचपन का जो था उनका हरिदया था। ही हर पेरेंट्स रीनेम्ड, मतलब उनकी जो माता पिता थे उनका पुनः नाम दिए, मतलब नाम चेंज किए हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका, मतलब उनका नाम चेंज किए जब एक नाटक में एक प्ले में जब वे लतिका का रोल किए थे तो उस समय उनका नाम लता हो गया। इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेस, उनके पिताजी के एक नाटक में जब वह लतिका का रोल की थी उस समय से उसका नाम लता पड़ गया। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फिल्म फेयर अवार्ड, व्हाई डिड सी डू सो, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनैलिटी, मतलब जो लता जी थे इसका आंसर होगा लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया। सी हैड गिवन अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट द फ्रेश टैलेंट द लाइट्स इन थ्रोज, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका और आंसर होगा वो जानते हैं। ऑन हर पर्सनैलिटी इज दैट सी इज ए बोल्ड माइंडेड पर्सन विथ ए बिग हार्ट हु कैन सेक्रीफाइस फॉर अपब्रिंगिंग द न्यू टैलेंट्स। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है तीन नंबर का, पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, पंडित नेहरू जो है अपने आंसुओं पर नियंत्रित नहीं कर पाए, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट लताज आर्ट ऑफ सिंगिंग, लता के कला में यह क्या दिखाता है? देखिए इसका आंसर होगा पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स आफ्टर हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ लताजी, द सॉन्ग वॉज ए मेरे वतन के लोगों, पंडित नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, इट सजेस्ट दैट लता आर्ट ऑफ सिंगिंग इज ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लास, हर सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द कंट्री, मतलब लता जी का जो सॉन्ग था उसको सुनकर जो नेहरू जी जो थे बच्चों की तरह रोने लगे, क्योंकि वो सॉन्ग जो था हमारे देशभक्तों के लिए जो मर जाते हैं उनको अमर बना दिए उस गाने, इस प्रकार से जो अपने देश के लिए त्याग देते हैं तो इस प्रकार से वे रोने लगे इसी कारण से। तो इतना ही प्रश्न था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं या क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले।